तो स्वागत है आप सबका एमडी टेक इंडिया के एक और नए कंपैरिजन वीडियो में। और आज की कंपैरिजन वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंपैरिजन ये दोनों स्पीकर्स का, जो कि एक है आपका मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर और ये दूसरा है आपका मीवी प्ले ब्लूटूथ स्पीकर। और दोनों का जो स्पीकर है मैं बता दूँ, दोनों आपका 5 वाट का ही दोनों स्पीकर है, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक गाइज। और अब चलिए अब हम लोग कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग बता दूं कि इसके पहले भी हमने बहुत सारा कंपैरिजन वीडियो किया है, तो उसी टाइप से हम लोग करेंगे। यानी कि सबसे पहले इसका कुछ जो स्पेसिफिकेशन है उसको कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो साउंड टेस्ट और फिर हार्डवेयर टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्ट जो भी है उसको कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फाइनली मैं बताऊँगा कि दोनों में से बेटर कौन सा मुझे लगा और कौन सा बेटर और मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ। लोग ये कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं कि दोनों का क्या प्राइस है। तो जो आपका मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपको ₹1399 का मिलता है, जबकि आपको मीवी प्ले स्पीकर जो है वो ₹799 का मिलता है। और दोनों का जो स्ट्रैप है वो आपका इसमें आपको जो है ये देख सकते हैं कि इसमें आपको ये पूरा रबड़ का स्ट्रैप दिया हुआ है, वहीं इसमें मीवी प्ले में आपको ये नॉर्मल देखने से नहीं लग रहा कि नॉर्मल कपड़ा का स्ट्रैप है या फिर क्लोथ स्ट्रैप या नॉर्मल थ्रेड स्ट्रैप है। उसके बाद फिर इसमें बटन्स जो है वो मी ऑटो स्पीकर के जो बटन्स होते हैं वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इसको, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर। और बट आपको जो इसमें मी प्ले में स्पीकर है आप लोग को एकदम पास में लगा कर देखिएगा तभी आपको दिखेगा, नहीं तो आप दूर से देखिए तो आपको दूर से उतना ईजिली नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सेम लगता है। और तो ये एक डिमेरिट है इसमें मीवी में। और जो ब्रांडिंग है इसका एम आई स्पीकर का वो आपको यहाँ पे इसका स्ट्रैप पे किया हुआ है, बट मीवी का एकदम सामने में किया हुआ है, वो एकदम अच्छा से कि एकदम दूर से ही दिखता है कि कौन सा कंपनी का है। उसके बाद जो अगर बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं तो जो मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर है वो आपका फाइबर बिल्ड है, यानी ऊपर से फाइबर और मेस डिज़ाइन दिया हुआ है और नीचे में फाइबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पर ग्रिप के लिए ये रबर का एक्स्ट्रा लेयर दिया हुआ है जिससे कि आपका ये कभी ज़्यादा शेक नहीं करता है। वहीं आपको जो है ये प्लास्टिक का है, मटेरियल प्लास्टिक का, बट आपको इसमें मैट फिनिश का एक अलग से लेयर दिया और इससे कहा ये उतना भी अच्छा सा ड्यूरेबिलिटी है। और आपने इसका पिछले वीडियो में बहुत सा टेस्ट देखा, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दिखाई था जिससे मैंने इसको दो फ्लोर से नीचे गिराया था, रोल किया था, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें क्या क्या सपोर्ट है। तो दोनों में आपको जो है कहाँ गया इसका, दोनों में जो आप देख सकते हैं इसमें भी मीवी प्ले में भी आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग और ऑक्स केबल का सपोर्ट दिया हुआ है, वहीं आपको मी ब्लूटूथ स्पीकर में भी सेम माइक्रो यूएसबी चार्जिंग और ऑक्स केबल का सपोर्ट दिया हुआ है। बट आपको केवल मीवी प्ले का स्पीकर है उसमें आपको ऑक्स केबल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि आपको मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर में कोई भी ऑक्स केबल नहीं है और दोनों में ही आपको जो है सेम ये वाला जो है कहाँ गया, ये वाली जो ऑडियो केबल है वो प्रोवाइड की है। तो ये है आपका मीवी प्ले का केबल, और उसके बाद ये है आपका मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर केबल। तो जैसा कि देख सकते हैं दोनों केबल में क्वालिटी वाइज आपका मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर केबल का क्वालिटी ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मीवी का केबल से। यहाँ पर देखते ये है मीवी का केबल और ये है आपका मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर केबल, और ठीक है दोनों सही है। और अब आते हैं इसके दोनों के बैटरी लाइफ पे और साउंड क्वालिटी ये सब पे। तो बैटरी लाइफ में अगर बात करें तो इसको मुझे टेस्टिंग करते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, और इसको तो यूज़ करते एक साल से ऊपर ही हो गया है। वह तो इसमें तो आपको बैटरी लाइफ हमको मिला है वो कंटिन्यूस प्ले करने पर आपको 12 आवर्स मिलता है मीवी प्ले में, वहीं आपको मी ऑडियो स्पीकर में आपको अराउंड 20 आवर्स मिल जाता है जब आप नया लीजिएगा, और अभी आपको अराउंड 14 आवर्स का देता है कंटिन्यूस प्लेबैक। बट जब आप इसको रुक रुक के यानी थोड़ा थोड़ा देर प्ले करते हैं, यानी नॉर्मली जो भी है जैसे हम लोग प्ले करते हैं थोड़ा देर प्ले किए फिर बंद किए फिर प्ले किए, तो उसमें आपको अराउंड दोनों आपको 3 डेज का दे देता है टाइम, और वो डिपेंड करता है आपके यूसेज पे कि आप लोग कितना देर यूज़ करते हैं। और मीवी प्ले में एक फीचर ये है कि जैसे कि अगर आप थोड़ा देर के लिए कनेक्ट नहीं रखिएगा तो वो अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा, वहीं आपको मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर में ये वाला फीचर नहीं दिया हुआ है। तो एक ये डिमेट है क्योंकि ये पुराना भी स्पीकर है। अच्छा भा
और इसको चार्ज होने में जो है, दोनों को चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम ही लेता है, दोनों आपको 3 आवर्स और 3 आवर्स का चार्जिंग टाइम लेता है। और फिर जो मी ऑडियो स्पीकर है वो IP68 रेटिंग है, सॉरी IPX5 रेटिंग है, और जो आपका मीवी प्ले स्पीकर है वो भी आपका IP67 रेटिंग है, यानी कि आपका मीवी स्पीकर जो है ये वाला मीवी प्ले वो आपका केवल स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ ही है, केवल वाटर प्रूफ नहीं है, जो आपने पिछला वीडियो में इसका टेस्टिंग वाला वीडियो में देखा था। और वहीं जो मी का आउटडोर ब्लू स्पीकर है वो वाटर प्रूफ भी है और स्प्लैश प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है, तो इसमें भी ये थोड़ा आगे अच्छा है। ओके गाइस, तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा फीचर्स और इसका डिफरेंसेस देख लिया है, जो इसका आउटडोर था यानी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स का देख लिया कंपैरिजन। अब बात करते हैं दोनों का साउंड टेस्ट का, तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके दोनों को प्ले करके दिखाता हूँ और हम लोग इसको ऑक्स केबल से ही कनेक्ट करके दोनों को प्ले करेंगे। तो चलिए हम लोग मोबाइल लेके आते हैं और प्ले करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर मीवी प्ले को प्ले करेंगे और उसके बाद हम लोग मी और डबल टू स्पीकर को प्ले करेंगे और आप दोनों का साउंड क्वालिटी देखिएगा। ऑलराइट गाइस, सो अब अभी आपने सुना मीवी प्ले का, अब हम लोग करेंगे इसको ब्लूटूथ मोड मी का मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक आपने दोनों का सुन लिया है और अब मैं बताता हूँ कि जब मैं टेस्ट कर रहा था और मैं कंटिन्यूस डिफरेंट टाइप का म्यूजिक से टेस्ट कर रहा था तो क्या रिजल्ट निकला, तो दोनों जो है ऑडियो क्वालिटी वाइज दोनों का कॉल क्वालिटी बिल्कुल सही है, यानी दोनों का लाउडनेस एकदम सही है, जब बस मीवी प्ले का जो थोड़ा सा लाउडनेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू अभी का मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर से, बट अगर आप बेस इस बात करें तो थोड़ा मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर का बेस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू मीवी प्ले से, तो दोनों ऑलमोस्ट ही सेम है, यानी किसी में एक में थोड़ा ज़्यादा है तो दूसरा में वो चीज़ थोड़ा कम है बस, तो दोनों मान के चलिए 19-20 का अंतर ही है। और दोनों अगर फुल वॉल्यूम पे प्ले करते हैं तो दोनों ही एकदम आराम से स्टेबिलिटी का स्टेबल रहता है, जबकि जो आपका इसका पिछला था मीवी रोम टू वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता था जब इसको हाई वॉल्यूम पे प्ले करते थे, जैसा कि आपने उसका कंपेरिजन वीडियो में देखा ही था। और मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि दोनों स्पीकर्स में जो है आपको दोनों में आपको TWS मोड या फिर कह सकते हैं स्टीरियो मोड मिलता है, यानी कि सेम टाइप का दोनों स्पीकर्स के साथ ही अपने में कनेक्ट कर सकते हैं और स्टीरियो इफेक्ट के लिए कर सकते हैं, और साथ साथ दोनों स्पीकर्स हैं दोनों में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ करके आपको, तो सबसे पहले हम लोग अभी मीवी प्ले से कनेक्टेड है मैं मोबाइल, तो स्पीकर को ऑन करने के लिए हम लोग को जो इसका जो प्ले बटन है ये वाला सॉरी जो ये पावर ऑफ वाला बटन है उसको हम लोग को प्रेस करना होगा एक बार, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो है वो ऑन हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग करते हैं इसको मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट, तो अभी हो चुका है एक्टिव, और इसमें गूगल असिस्टेंट को ऑन करने के लिए
हम लोग को करना होगा कि जो ये वाला आपका प्ले पॉज का बटन है उसको दो बार प्रेस करना होगा। तो आपने देखा कि इससे भी गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया। तो आप जैसे ही देख सकते दोनों में आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, गूगल असिस्टेंट से वर्क करता है। ऑल राइट गाइस, सो अब आते हैं फाइनल्स पे कि मैं किसको रिकमेंड करता हूँ या मैं किसको बाय का सजेशन कर देता हूँ। तो पहले बता दूं कि दोनों का प्राइस पॉइंट जो है बहुत डिफरेंस है। एक आपका अंडर 1000 आता है, यानी आपका 800 के अराउंड पड़ता है, और वही दूसरा स्पीकर जो ये वाला मीक ऑडियो ब्लू स्पीकर है वो अबव 1000 रुपीज़ है, और ये अराउंड 1400 का या 1300 के अराउंड पड़ता है। और दोनों ही अपने अपने सेगमेंट्स में बहुत ही अच्छे स्पीकर्स है, और दोनों में हल्का फुल्का थोड़ा सा है इशूज़ है, बट अगर आप उस इशूज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली दोनों स्पीकर को बाय कीजिए। बट कभी कभी होता है कि मी की तरफ से सेल लगता है तो ये 1000 पड़ जाता है स्पीकर का, अराउंड 999 के आसपास पड़ता है, तो उस टाइम आप इसको बाय कर सकते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर 1000 में आपको बाय करना तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप ये मी वी प्ले को बाय कीजिए। बट अगर आप मी 1000 के ऊपर का कोई अच्छा स्पीकर देखना चाहते हैं और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता तो 1500 तक ही, तो मी ऑडियो ब्लू स्पीकर को बाय कीजिए। और इसी के साथ हम लोग इस कंपैरिजन वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आप लोग 1K तक अभी हम लोग को नहीं पहुंचाया तो जल्द से पहुंचा दीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी। और